अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ स्टैक अहमद। एवरीथिंग टेक्निकल चैनल में मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आया हूँ, जिसमें मैं बात करूँगा एंड्रॉयड प्ले स्टोर के बारे में कि आपको पता नहीं चलता अगर आप अपना डाटा इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका सारा डाटा वेस्ट हो जाता है। तो ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले हम बात करते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब पे बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साथ में ही आप बेल के आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि कि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट, न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम ट्यूटोरियल्स को शुरू करते हैं। तो ट्यूटोरियल की थोड़ी सी एक्सप्लेन मैं आपको कर दूंगा कि एक्सप्लेन ये है कि प्ले स्टोर में आपकी एप्लीकेशंस ऐटोमेटिक अपडेट होती रहती हैं। एज आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक मैसेंजर है, और फेसबुक है, और ईमो है, अगर कोई भी एप्लीकेशन है, एनी एप्लीकेशन, तो वो उसकी कुछ ना कुछ दिनों बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद अपडेट आती रहती है, जिसकी वजह से आप अपना सारा डाटा लॉस्ट कर देते हैं, आपका सारा डाटा वेस्ट हो जाता है। तो उसी की वजह से आप अपना डाटा, उसका मैं सेव करना बताऊंगा कि आप अपने डाटा को किस तरह सेव कर सकते हैं। आपने जस्ट करना इतना है कि उसकी जो ऑटो अपडेट है उसको स्टॉप करना है। ऑटो अपडेट जब आप उसकी स्टॉप कर देंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि उसकी अपडेट नहीं होगी जब तक आप वाईफाई कनेक्ट नहीं करेंगे। आप उसको वाईफाई पे सेलेक्ट कर दें ताकि आपकी जो भी अपडेट होगी वो वाईफाई से होगी बिना किसी डाटा इस्तेमाल के। तो सब लोग, काफ़ी लोगों का डाटा जो है वो वेस्ट इसी वजह से हो जाता है कि उनकी अपडेट पीछे लगी होती है। जैसे वो इंटरनेट ऑन करते हैं तो उनका सारे का सारा डाटा जो ख़त्म हो जाता है, और उनका साथ में बैलेंस भी ख़त्म हो जाता है। तो फिर वो देखते हैं कि यार अभी तो करवाया 5 मिनट पहले और अभी वेस्ट ही हो गया सारा, सिर्फ क्योंकि वो एप्लीकेशन अपडेट होती है। वो कोई छोटी मोटी एप्लीकेशन नहीं होती। अगर मैसेंजर को लगा लें आप, उसका एस्टिमेट करें तो मैक्सिमम भी उसका 50 MB का अपडेट है, 60 MB का अपडेट है। तो देख लें कि आप 50-60 MB, ऐसे तो 4G चल रहा हो, 3G चल रहा हो, तो वो तकरीबन 1 मिनट में ही वेस्ट हो जाता है। तो चलिए, मैं अभी एक्सप्लेन तो होगी आपसे, आपको जो मेन मसला है हमारा इस अपडेट को रोकने का, वो आपका डाटा बचाना है, ना कि कोई किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे अपना प्ले स्टोर ओपन कर लिया। आप अपने प्ले स्टोर से यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद, आपने जब ओपन करने के बाद यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है, करने के बाद आपने सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो अपडेट ऐप्स, ये ऑटो अपडेट्स ऐप्स जो है इसको आपने चेक करना है, इसको ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस शो हो रही होंगी। डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स, ऑटो अपडेट ऐप्स एट एनी टाइम डाटा चार्जेस में अप्लाई, के ऑटो अपडेट एनी टाइम पे आप क्लिक करेंगे तो आप डाटा इस्तेमाल, आपका डाटा भी चल रहा होगा, तो ये आप यहाँ पे ये वाला, तो इस पे आपका मोबाइल के डाटे पे भी ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगी। ये लिखा हुआ है ऑटो अपडेट ओवर वाईफाई, के अपडेट तब ही होगी आपकी एप्लीकेशन जब आप वाईफाई कनेक्टेड किया होगा वाईफाई को। तो सबसे बेहतर जो है, मैं आपको ऑप्शन सजेस्ट कर देता हूँ, वो है डू नॉट ऑटो अपडेट्स। ये आप सेलेक्ट कर लें। अगर आपके पास अपडेट आती है तो आप सिर्फ खुद ही उसको अपडेट कर लें, मैनुअली आप उसको अपडेट कर लें ताकि आपको कोई परेशानी ना आए, ना आपका डाटा वेस्ट हो, ना आपका वाईफाई वीक हो। तो जब आपके पास टाइम हो, रात को सोने लगे, तो आप इसको मैनुअली भी उसको अपडेट पे लगा सकते हैं। इन 3 ऑप्शन में से आपने सबसे ऊपर वाली इस चूज़ कर लें, या सबसे एंड वाली, जो दरमियान वाली है ये आप इसको चूज़ ना करें, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसलिए डिफरेंट है कि आप इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके डाटे को ज़ाया होने का एक बायस बनेगा, तो ये कर लेना। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आप बाकी भी चीज़ें देख सकते हैं। इसकी सेटिंग्स बहुत अच्छी सेटिंग्स हैं, जहाँ से रिक्वायरमेंट्स हैं, यूज़ ऐप विदाउट इंस्टॉलेशन, मतलब कि यहाँ पे भी आप इसको काफ़ी ज़्यादा इसके फीचर्स हैं आप देख सकते हैं। लेकिन मैं तो ये इसी के लिए मैंने ट्यूटोरियल बनाया ऑटो अपडेट के लिए, तो आप इसको इस्तेमाल करें। सो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियोज़ को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और साथ में मेरी दूसरी वीडियोज़ भी पढ़ी आप उनको भी दे सकते हैं कि मोबाइल पर टीपी
लिंक का, वाईफाई का डिवाइस का पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, और मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट कैसे बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से आने वाले तमाम मैसेजेस को कैसे रोकते हैं बिना ग्रुप लीव किए, और दुनिया की 10 ऐसी वेबसाइट्स जहाँ से आप फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पर एक ट्यूटोरियल बना रखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।